बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन आपको हम यहाँ पे आज बताते चल रहे हैं कि पूरे आज़ाद कश्मीर भर में इस वक्त तदरीसी जो निज़ाम है वो इस वक्त जाम होकर रह गया है। पूरे आज़ाद कश्मीर भर में इस वक्त तकरीबन 40,000 के करीब जो असातज़ा हैं मेल फीमेल सरापा एहतजाज हैं। क्या मुतालबात हैं इनके लिए? इस वक्त हम आज यहाँ पर एक स्कूल में मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ ख्वातीन जो फीमेल टीचर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? तदरीसी निज़ाम जो है इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर का जाम करके रखा हुआ है। बच्चों का मुस्तकबल जो है वो तबाह हो रहा है। पिछले साल भी कोविड की वजह से बच्चों का जो साल था वो ज़ाया हुआ है। क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग इस तरह से कवरेज दे रहे हैं और ये टीचर्स जो इकट्ठे हुए हैं ये उनका लीगल राइट है। उनका यही कहना है कि पीएम से जो उन्होंने वादा किया था कलमा पढ़ के कि जी टीचर्स को अच्छा, पीएम साहब ने कलमा पढ़ के आपसे प्रॉमिस किया था। जी जी बिल्कुल। ये जो हमारे टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं जो हमारे लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं उनका तो यही कहना है, वो जिस मकसद के लिए निकले हैं उनका यही कहना है कि जो टीचर्स के लीगल राइट्स हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए। उनको भी ये महसूस हो रहा है कि जो कोविड 19 की वजह से काफ़ी वक्त आया हुआ बच्चों का, ये हम लोग टीचर्स भी बहसियत एक शहरी होने के नाते हम लोग को ख़ुद भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम लोग ये तालीमी बाइकॉट के लिए निकले हैं, मगर ये उनको भी सोचना समझना चाहिए कि ये टीचर्स की एक डिग्निटी है। ठीक है, टीचर्स का इतना ज़्यादा इस्तक्साल किया जा रहा है, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। टीचर्स को ड्यू रिस्पेक्ट दें और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं स्किल्स अपग्रेडेशंस के उनको पूरा किया जाए और तालीमी सरगर्मियाँ हम लोग वैसे ही दोबारा बहाल करेंगे अगर हमारे अपग्रेडेशन की जाए। इस वक्त पाकिस्तान समेत बाकी दीगर सूबों में भी टीचर के लिए ग्रेड 14 और इस तरह जूनियर टीचर के लिए ग्रेड 14 और 16 वगैरह में अपग्रेडेशन की गई। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बोरान है। क्या कहेंगी आप? इस वक्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है सरकार की वजह से, आप टीचर हैं बच्चों को पढ़ा रही है, ज़रा पब्लिक को बताइएगा। पहली तो बात यह है कि हमें इस चीज़ का बीइंग अ टीचर बड़ा दुख है कि हम बच्चों को ड्यू टू कोविड लास्ट ईयर भी नहीं पढ़ा सके और इस अब जो है ना ये स्ट्राइक है इसकी वजह से नहीं हम पढ़ा पा रहे, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये इसलिए हम टीचर्स कह रहे हैं कि उनका जो लीगल राइट है ऑल पाकिस्तान में, जैसे कि इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान में टीचर्स के जो ग्रेड्स हैं उससे हमें जो है ना मनफी रवैया रखा जा रहा है हमारे साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। कितना समय तक अपना प्रोटेस्ट आप जारी रखेंगे? क्या कहेंगी आप? बच्चों का मुस्तकबल भी ज़ाया हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? आपके जो मुतालबात हैं वो क्या मुतालबात हैं, ज़रा एक दफ़ा फिर दोबारा बताइएगा। देखिए, ये 2009 की तलीमी पॉलिसी थी जिसके तहत हम लोग अपना एहतजाज कर रहे हैं कि टीचर्स के ग्रेड्स और स्केल अपग्रेड किए जाएंगे, जैसे कि पाकिस्तान में पंजाब में ये कब से हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के जो टीचर्स हैं वो तकरीबन 11 साल से अपने जायज़ हकूक के लिए बार बार मुतालबा दोहराया जा रहा है, हमें बार बार एक लॉलीपॉप दे के घर भेज दिया जाता है, कलमा पढ़ के कहा गया। देखिए, एक बच्चे को भी जब भूख लगती है ना तो वो माँ से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है रो के। हम लोग भी इस बात में मजबूर कर दिए गए हैं, हमें खुद एहसास है, हम उस्ताद हैं, हमारे अपने बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमें ये खुशी से हम लोग तदरीसी बायकॉट नहीं कर रहे, लेकिन हमारा एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए, हुकूमत तक पहुँचना चाहिए। अगर हमने तदरीसी बायकॉट किया हुआ है तो अपने जायज़ मुतालबात के लिए किया। अपने जायज़ मुतालबात के लिए ख्वातीन टीचर जो है सरापा एहतजाज है इस वक्त आज़ाद कश्मीर भर में, क्या कहेंगी आप बताएंगी ज़रा कि आप सरापा एहतजाज हैं, क्या मुतालबात हैं आपके, कब तक अपने आप जो एहतजाज है ये जारी रखेंगे? क्योंकि बच्चों का जो मुस्तकबल है वो तबाह हो रहा है। आज़ाद कश्मीर भर में इस वक्त आप लोग सरापा एहतजाज हैं, वालदेन बड़े परेशान हैं, वालदेन को अपने बच्चों की सोच है, उन्हें ये नहीं परवाह लेकिन उन्हें ये परवाह जरूर है कि अपने उनके बच्चों का मुस्तकबल तबाह हो रहा है। तो बच्चों की वजह से हर पेरेंट्स जो है वो बड़ा अपसेट होता है, परेशान होता है। क्या कहेंगी आप? ज़ाहिर है असातज़ा अपनी तालीमी सरगर्मियाँ पूरा साल बेहतर तौर पे जारी रखते हैं और उनकी कोशिश और काविश भी यही होती है कि बच्चे जो हैं वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। अब ये जो तालीमी बायकॉट का सिलसिला है वो इस सिलसिले में है कि पाकिस्तान में और बाकी जगहों पर जब अपग्रेडेशन हो चुकी है असातज़ा की, तो आज़ाद कश्मीर के असातज़ा को क्यों बाकी जगह पर हो चुकी है रखा, जैसे पाकिस्तान में अपग्रेडेशन 2009 पंजाब में हुई है, उसके अलावा एक क्लर्क भर्ती हो रहा है तो उसको जो है ग्रेड 11वां ग्रेड दिया जा रहा है, जबकि एक प्राइमरी टीचर चाहे वो एनटीएस के थ्रू आ रही है तो वो 7वें ग्रेड पे है। और फिर अपग्रेडेशन का जो मामला है जो का तू पड़ा है, जब तक हम अपने हकूक के लिए बोलेंगे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमतें इंसाफ पसंदी का मिजाज
अलावा एक क्लर्क भर्ती हो रहा है तो उसको जो है ग्रेड 11वां ग्रेड दिया जा रहा है, जबकि एक प्राइमरी टीचर चाहे वो NTS के थ्रू आ रही है तो वो 7वें ग्रेड पे है। और फिर अपग्रेडेशन का जो मामला है जो का तू पड़ा है, जब तक हम अपने हकूक के लिए बोलेंगे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमतें इंसाफ पसंदी का मुजाहरा करेंगी। इस वजह से हम सारे मुतहद हो के इस बात पर यकजा हैं कि जब तक अपग्रेडेशन नहीं होती हम ये जो तालीमी बाइकॉट का सिलसिला है जारी रखेंगे। तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल टीचर इस वक्त सरापा एहतजाज है, आप देख सकते हैं तदरीसी अमल जो इस वक्त जो है ना मुकम्मल तौर पर यहाँ पे मफलूज होकर रह गया है। आज़ाद कश्मीर भर में तकरीबन 40 से के करीब जो असातिज़ा हैं मेल फीमेल उन्होंने तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर उसके साथ बाइकॉट किया हुआ है। इनका यह कहना है कि जो हमारे मुतालबात हैं उन्हें फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए, नहीं तो इस एहतजाज का दायरा कर हम मजीद वसी करेंगे। इनका हुकूमत आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़ाद कश्मीर, सेक्रेटरी तालीम और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, तमाम जो हुकूमती जिम्मेदारान हैं उनसे मुतालबा है कि फौरी तौर पर हमारे मुतालबात पूरे करें ताकि बच्चों का आने वाला जो मुस्तकबल है उससे भी बचाया जा सके, क्योंकि इससे पहले भी कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों का नुकसान हो चुका है, मज़ीद नुकसान हो सके। यही जो हमारे स्कूल है आप देख सकते हैं टाट से स्कूल, और यहाँ से लोग बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं, बड़े बड़े जो इस वक्त उहदों पे फायज हैं इन्हीं स्कूलों से जाके वहाँ पे इस वक्त पोस्टों पे मौजूद हैं। बड़ी बड़ी हाई जो इस वक्त कोई सेक्रेटरी अगर बना है, कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, वो इस इन्हीं टाट के स्कूलों में इन्हीं स्कूलों से ही वो होके तो इस मकाम पर पहुँचा है। इनका यही कहना है कि जो लोग यहाँ से होके आगे जाते हैं और उन्हीं को चाहिए कहा जाए असातिज़ा के जो मुतालबात हैं, असातिज़ा जो है वह माशरे का एक बड़ा हिस्सा बड़ा मकाम रखते हैं जिस तरह बाकी दुनिया में रखा जाता है, ताकि इनके हम मुतालबात पूरे करें। और हम जो वालदैन इस वक्त परेशान हैं बच्चों की वजह से उनका मुस्तकबल तबाह ना हो। कैमरा मैन साथी रिपोर्ट के साथ अबैदुर रहमान, मीरपुर आज़ाद कश्मीर।